मैं ये खा रहा हूँ। पिछले ये है जी देसी तरीका दही फुलकियां, फुलकियां निकाल लेगा के मुंडा ब्लॉग बनांदा बनांदा ते थले जा पिया है ते न्यूज़ दे विच मेरी ऐनी तस्वीर है। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक विद अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी भाई साहब सुबह सुबह का टाइम है, फजर का टाइम है, आपका भाई नमाज पढ़ के रोजा रख के नमाज पढ़ के आया है अभी। और अभी जो है ना मैं छत पर आया हूं, हम देख सकते हैं आप ठीक है, और आप व्यू चेक करें भाई साहब, अभी तक सूरज तक नहीं निकला और आपके भाई ने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। इतना मैं बेसब्र है, सूरज का मैंने वेट नहीं किया, सूरज निकल रहा तो और मैंने अच्छा गोरा चिट्टा नजर आना था। लेकिन ये है कि मैंने व्लॉग को जल्दी से स्टार्ट कर लिया कि यार व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ठीक है, लेकिन है गर्मी है लेकिन मजेदार माहौल है। सुबह सुबह का टाइम है, सब सोए हुए हैं ठीक है, और मैं कल ही उल्लू का पट्टा लगा हूँ व्लॉग बनाने। भाई साहब व्लॉग के लिए कुछ भी करना पड़ता है, आधी आधी रात तक जागना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, सुबह सुबह उठ के व्लॉग को स्टार्ट करके बनाना पड़ता है। बात तो सही है। असली लोगों ने गा छाती है मार रहे हैं सवेरे सवेरे उठ के, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। गाइस वो देखिए वो आपको नजर आ रहा है, वो क्या पड़ा हुआ है, है? नहीं नहीं चले मैं जूम करता हूँ, अभी पता चला गोल गप्पे हमारे मतलब आपको मत सिखा, ये साथ में हमारे भी रहते हैं इधर, ये गोल गप्पे का काम करते हैं ठीक है, काफी फेमस है इनके ये गोलगप्पे, मतलब ये गोलगप्पे इधर तैयार होते हैं और साथ में इधर चौक हमारे उधर जो दुकान है एक शॉप है तो उधर दही भल्ले के नाम से मशहूर है, समझो चास आ जाती है खा के। अच्छा अभी तक सूरज भी नहीं निकला है, लगता है सूरज आज देर ही है, मुझे लगता है बादल आ गए आगे, चेक करें गाइस। गाइस मैं चीज देख रहा हूँ यार, अगर इधर से वो व्यू नजर आ जाए, कश्मीर की पहाड़ियां यहाँ से नजर आती हैं, कश्मीर की पहाड़ियां आई थिंक कौन सी पहाड़ियां लेकिन वो नजर आती हैं इधर से ना, ये जिधर मेरी उंगलियां आ रही हैं ऐसे इधर से पहाड़ियां नजर आती हैं, पर अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि बादल वगैरह भी है सामने आए हुए आगे, जिसकी वजह से व्यू जो सा ना ऐसे ही नॉर्मल ही है। तो आप सब लोग कैसे हैं, ठीक ठाक है, फिट फैट है, कैसे रमजान चल रहे हैं, मजे शजे आ रहे हैं, चटपटे खाने, अफ्तारी में क्या क्या खा रहे हैं भाई साहब, कमेंट करके बता दिया करो यार, कौन से आपके पैसे लग जाने हैं। तो जी एक और चीज जो तुसी नहीं कर रहे, अच्छा बाज आई हो बाज, तुहानू मैं किन्नी वारी कहा कि कर दियो यार, सिंपल से सिंपल जिहा तुहानू एक चीज किया यार, चैनल नू सबसक्राइब कर दियो फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तुहानू बिल आंदा, नहीं तुहाडे अकाउंट च इन्ना बिल आ जाता कि जी ए सबसक्राइब करन दे तुहानू इन्ने पैसे लगते, बस सबसक्राइब दे बटन नू जिहड़ा इन्हां नू ठोकना है, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਆਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟੀ ਹਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਈਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓਕੇ, ਸਮਝੇ ਹੋ ਸਮਝਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਘੱਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕਾ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੇ ਉੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ भी जाकर सोते हैं, मैं बार बार जो सा ना इधर आगे नहीं हो रहा है, काफी ऊंच चाहिए ये देखे, मैं पीछे पीछे ही रह रहा हूँ, ये देखे इतनी इतनी सी जगह बस इतनी सी, और इधर मैं चल रहा हूँ और इधर ही मैं व्लॉग बना रहा हूँ ठीक है, ऐसा ना हो सवेरे अखबार आया है कि मुंडा व्लॉग बनांदा बनांदा ते थले जा पिया है, न्यूज़ दे विच मेरी ऐनी तस्वीर है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर लिया। तो जी चलते हैं नीचे, मिलता हूँ आपको सो के उठ कर, नहीं जान दे यार सो दे की हो गए यार, ना मुझे एडा मिस कर, पता मैं सोना हैंडसम हाँ, कोई गल निकल लो। तो जी मैं जो सब नीचे वाली छत पर आ गया हूँ, पहले मैं ऊपर वाली छत पर था ठीक है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, और ऊपर आप ये शेर देख रहे हैं, वो हमने बल्कि किसके लिए लगवाया हुआ है, आज मैं दिखाता हूँ आपको किसके लिए लगवाया हुआ है, इनके लिए लगवाया हुआ है जी माशाल्लाह से, कबूतरों के लिए देख सकते हैं आप,
तो जी ये जो सब शेड ऊपर आप देख रहे हैं ये इन कबूतरों के लिए लगवाया हुआ है, क्योंकि बारिशें वगैरह अभी होती हैं बहुत ज्यादा, तो बारिशों से बचने के लिए ये ऊपर लगवाया था। ठीक है, कजन लोगों ने ये कबूतर रखे हुए हैं ताकि ये पानी जो सही अंदर भी खड़ा हो जाता था जिधर ये खड़े हैं अभी नीचे जमीन में, तो इसी वजह से ये ऊपर ये हमने लगवाया था ताकि इनकी सेफ्टी के लिए और धूप से बचने के लिए। बात तो सही है। इधर भी कबूतर रखे हुए हैं, उधर सारे वो अंदर जो रूम बने हुए हैं कबूतरों के उसके अंदर भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो कभी कोई टाइम लगा तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कबूतर। ओके, माशाल्लाह बहुत प्यारे और महंगे कबूतर, बड़ी नींद आई हुई है और कसम से आपस की बात है बताना नहीं है किसी को। बे जल्दी बहुत ठंड लगन लग गई है, यूं चलिए। 8 hours later. So guys, finally आपका भाई उठ चुका है, ठीक है, और मैं उठा हूँ तो तकरीबन टाइम में देखा मैं तो 4:45 का टाइम हो रहा है। मैं कहा यार इतना सो लिया और सोया भी मैं कुछ खास नहीं हूँ, कसम से नींद ही नहीं थी आ रही, बड़ी मुश्किल से सोया, थोड़ा सा सोया जो भी सोया, तो अभी मैं फिलहाल किचन में मौजूद हूँ। ठीक है, तो देखने आया था जी आज क्या बन रहा है। ठीक है, तो जी मामा लूसी है वो फुल्कियां निकाल रही है, चेक करें, लगता है जी दही फुल्के बनने लगे, चेक करें, ये है जी देसी तरीका दही फुल्कियां, फुल्कियां निकाल रहे हैं। कैसा लगा फिर आपको स्टाइल मारा? तो जी ये व्हाइट चावल भिगोए हुए हैं इधर, ठीक है, ये आलू है बॉयल आलू किए हुए हैं, आई थिंक दही फुल्कियों में ये भी डलेगा, और साथ में ये चिप्स के आलू काटे हुए हैं। माजी खाने में क्या पकड़ा है? बिरयानी। बिरयानी का सीन ये है कि भाई साहब ये कल चिकन बनाया था मामा सालन, ठीक है, मसाले वाला, ठीक है, तो मामा कहती है कि जी इसी में चावल डाल के ना जो है बिरयानी हम रेडी कर लेंगे। मैं कहा यार नहीं नहीं बिरयानी बनाई है, तो कहती है कि कल ना सालन बनाया था तू जाया कर रहा। अच्छा, मैं कहा ये भी है तो उसमें चावल डालेंगे, ये चावल पड़े हैं, ठीक है, तो चावल डाल के उसको बिरयानी का तड़का लगाएंगे और बिरयानी रेडी। मजा आता है, पहले भी एक दफा ऐसे किया है, देसी स्टाइल है, देसी फैमिली है, ये हर घर में ये चीज है कि सालों को जाया नहीं करना चाहिए, लगा नहीं लगे उसको जाया वाकई नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। तो हम चावल डालेंगे और उसको बिरयानी बना लेंगे, सालन भी नहीं जाया होगा और चावल भी खाए जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर तक जो से नमाज का भी टाइम होने वाला है तो नमाज भी पढ़ते हैं, तो फिर और माँ जी दही सी नहीं आ रही, कितने आ रहे दही और बस दही, ओके बस दही लेकर आ रहा है, ठीक है, और बाकी तो जो है वो है और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर। Many, many minutes later. A few inches later. शुक्रअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह पाक अल्लाह का शुक्र है, बार बार रोजा इफ्तार कर लिया है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और जी नमाज भी पढ़ रहे हैं, क्या तो घर आया फटाफट से जो है ना अब मैं ये खा रहा हूँ, हाँ नहीं है पिछले ला जो दही फुल्की बन रही थी, ठीक है, तो इसका ये फाइनल रिजल्ट देखे आप, ठीक है, दही फुल्की और ऊपर ये इमली वाली चटनी, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, बाइट लेते हैं फटाफट से, तो फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह की बनी है। हाँ चलिए आए, बात तो सही है।
शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे नेमतों से तूने अपने नवाजा है हमें। चाट में खा के ना तो ऊपर आ गए हूँ कसम से, बड़ी नींद आ रही है। तो ये हर घर में हर इफ्तारी के बाद हर किसी के साथ ये मामला होते हैं कि जी मैं बैठ जाऊं जरा के खा पी के अच्छी तरह ठूस फूस के चिप्स पकौड़े समोसे ये चाट चोट ये वो सब कुछ, तो नींद आती है बड़ी डाटी किस्म की। बात तो सही है ऐसे ही है ना भाई साहब, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। सुबह का सही नहीं था सोया कसम से, मैं सोया हूँ तकरीबन 7-8 बजे मैं सोने लगा हूँ तो कच्ची पक्की नींद हुई है, तो फिर मेरी आंख खुल गई है, आंख खुली है तो फिर फोन पकड़ लिया, फोन पकड़ लिया तो फिर थोड़ी देर बाद आंख लगी है तो फिर उठ गये हूँ। ऐसे ही कच्ची पक्की जो सी है ना वो नींद, मतलब सोया हूँ मैं कसम से जरा नींद नहीं पूरी हुई है, तो अभी जो सा मैं थोड़ा सा सो लूँ फिर रेस्ट कर लूँ तो फिर मैं भी मैं थोड़ी देर तक बैठ जाऊँ और फिर जो ना क्या कहते हैं फिर वो व्लॉग इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि वो मैं बनाऊँ। तो औजार होने लगी है तो इसी के साथ मुझे इजाजत है व्लॉग में आप एंड कर, तो वीडियो को लाइक मैं शेयर मस्त करना, चैनल को सब्सक्राइब भी मस्त करना है और सब्सक्राइब किए बगैर आप यहाँ से नहीं जा तो कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो बिल आंदा। अच्छा आहो तो इसी के साथ मुझे इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दुआ में याद रखे और चैनल को सब्सक्राइब मस्त करना आप सब लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम।